हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम का चैनल दिखाना चाहता हूं जहां पर मैंने बहुत सारे नोट्स शेयर कर लिए हैं तो आप चाहें तो इन चैनल को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से अपने सारे नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं प्लस यहाँ पर मैं कुछ एमसी भी करा रहा हूँ तो आप एमसी को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं प्लस थैंक यू सो मच कि आप मेरे uh, कि आपको मेरे रिसोर्सेज काफी पसंद आ रहे हैं सो लेट अस नाउ बिगिन टूडेज सेशन सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज सेशन लेट मी थैंक किशोर फॉर रिक्वेस्टिंग दिस टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड फिश बोन डायग्राम तो हम फिश बोन डायग्राम को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे सो लेट लेटस बिगिन सो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस डायग्राम कंसेप्ट केम इन टू पिक्चर कहां से ये कंसेप्ट आया उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं

था दिशोन डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज ईशी कावा डायसब्यूट टू इटर इसी वजह से हमें कन्फ्यूज नहीं होना है समटाइम्स आपको फिश बोन की जगह आपको ईशी कावा नाम का डायग्राम से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इशिकावा नहीं इसको प्रोमोट किया था इसीलिए इसको इशिकावा डायग्राम डायग्राम भी कहते हैं तो ये पूरा है इसके बारे में बात करते सर्कल तो के ऊपर बनाऊंगा आपके लिए क्योंकि तो सर्कल का एक टूल है टूल्स जो क्वालिटी सर्कल में काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है इट इन इजिंग द पोटेंशियल कॉजेस इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम अब सवाल ये उठता है कई बार हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं मिल रहा होता है तो जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम दिख, दिख रही है लेकिन आपको उस प्रॉब्लम के बेस पर आप उसका कॉज नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आप फिशबोन डायग्राम को यूज कर सकते हो तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक विजुअल डायग्राम बनाना जो विजुअली आपको बता सके कि आपके प्रॉब्लम का पोटेंशियल कॉज क्या क्या हो सकता है और कहां कहां हो सकता है दैट वॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिशबोन इट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एनालाइज एंड इंप्रूव क्वालिटी समटाइम्स इट कैन इमटा भी हेल्प कैन गो रॉन्ग प्रिवेंटिंग फ्यूचर तो एक तो हो गया कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के कॉजेस क्या है वहां पर भी आपको हेल्प मिल जाती है प्लस फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वहां पर भी आपको हेल्प मिल जाती है आपको क्वालिटी इश्यूज को भी रिजोल्व करने में काफी हेल्प मिलता है इट डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ इट्स शेप विच रिजेंबल्स द साइड व्यू ऑफ द स्केलेटन ऑफ द फिश अब इसको फिशबोन डायग्राम क्यों बोलते हैं जब अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा वैसे ही इसका जो इसको बनाने के बाद देखा गया था तो देखा गया कि पूरा एक फिश के बॉडी के स्ट्रक्चर से स्केलेटन से काफी मैच करता है दैट इज रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज फिशबोन डायग्राम तो अब ऐसा करते हैं आपको दिखाता हूं कि फिशबोन डायग्राम कैसा नजर आता है सो दिस इज अ फिश बोन डायग्राम आप ये देख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को तो आप देख सकते हैं कि ये फिश का माउथ नजर आता है और ये उसकी पूरी बॉडी नजर आती है तो इस वजह से अब इसमें आप देखें कि ये हेड क्या डिपिक्ट करता है और बाकी की जो पार्ट्स है वो क्या डिपिक्ट करते हैं द हेड ऑफ द स्केलेटन डिपिक्ट प्रॉब्लम और द इफेक्ट विच इज यूजली शोन ऑन द राइट तो ये जो हेड है ये बेसिकली क्या है इट इस द प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है ठीक है ऑन द अदर साइड जो जितने भी बोन्स दिखाई जा रहे हैं ये जो बोन्स बने हुए हैं हैंरोमार्क की तरह दीज शोज द डिफरेंट कॉजेज ये जो है ये कॉज दिखाता है तो ये हेड हो गया प्रॉब्लम और बाकी की बॉडी जो है वो डिफरेंट कॉजेस को रिप्रेजेंट करती है द रिब्स डिनोट द कैटेगरीज क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉजेज विच द ब्रांच आउट ऑफ अब यहां पर आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट इसमें ब्रांच भी निकलते हैं तो एक कॉज अगर आपको मिल जाता है तो उस कॉज के अंडर भी कुछ सब कॉजेज होते हैं जो इसके रिब्स से डिनोट किया गया है ठीक है तो आपके इसमें तीन चीजें हो गई फर्स्ट हो गया हेड विच इज द प्रॉब्लम सेकेंड हो गया बोन्स विच इज द कॉजेज एंड थर्ड इज रिब्स विच इज बेसिकली सब कॉजेज जो उसी एक कॉज से मल्टीपल कॉजेज जो जुड़े हुए हैं वो वहां से आपको रिब्स से बनाया जाता है तो दिस इज हाउ इट लुक्स द फिश बोन डायग्राम ज so कुछ कैटेगरी और उन्होंने बात कर लेते हैं और इसी वजह से उन कैटेगरीज में कई बार मैनेजमेंट और मेंटेनेंस को भी जोड़ा जाता है बट वो कैटेगरीज क्या थे वन वॉज मैन देन मेटीरियल देन मशीन मेथड

लेट्स टेक एक एक्साम्पल से एक डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूं ये देखो ये आपका इफेक्ट हो गया इफेक्ट मतलब प्रॉब्लम हो गया जो फिश बोन डायग्राम का फर्स्ट वाला एंड है और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक मेथड हो गया मशीन हो गया मेन हो गया मेजरमेंट हो गया देन योर मेटीरियल देन योर इन्वायरमेंट और इससे रिलेटेड फिर कुछ सब कॉजेज भी हैं ये कॉज हो गया मेन कॉज और इससे रिलेटेड कुछ सब कॉज फिर ये कॉज हो गया और इससे रिलेटेड कुछ सब कॉज इससे भी ये कॉज हो गया इससे रिलेटेड कुछ सब कॉजेज तो इस तरह से सब कॉजेज भी इसमें जुड़े हुए हैं Let's talk about the usage. अब कहा, कहा इसका यूसेज हो सकता है कहां कहा काम कहा आता है फिशबोन डायग्राम कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एनालाइजिंग फेज ऑफ डिमैक के बारे में लेक्चर बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है बट फॉर द टाइमिंग हमें समझना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल के मेथड में इसका इस्तेमाल होता है सो so, वहां पर आप उसके प्रोसेस में आप इसको यूज कर सकते हो सेकंड इज इट इज अ मेथडोलॉजी यूज फॉर लीन सिक्स सिग्मा प्रॉब्लम ऑफ सोल्विंग टूल्स सिक्स सिग्मा में भी इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा या लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को जब स्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के स्टेज पर इसका इस्तेमाल होता है पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन जब भी कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड भी आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को यूज कर सकते हो क्वालिटी डिफेक्ट्स को ढूंढने में काफी हेल्प कर सकता है आपकी प्लस इट कैन बी पोटेंशियल फैक्टर दैट कैन कॉज द डिफेक्ट कोई भी डिफेक्ट अगर या कोई भी वेस्टेज हो रहा है तो उसके क्या कॉजेज हैं वो भी आप इस डायग्राम से देख सकते हैं क्योंकि ये ग्राफिकल है तो ये काफी हेल्पफुल हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस दिस आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिम्टम्स ये सिम्टम्स को भी निकालने में हेल्प करता है तो प्रॉब्लम्स तो पता चलती ही चलती हैं साथ में जो उससे रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको पता चल जाते हैं स्टॉक अब स्टेप्स इन्वॉल्व स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सबसे पहले स्टेज में आप क्या करते तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि वट एक्सैक्टली इज द प्रॉब्लम क्योंकि प्रॉब्लम ही उसके हेड को बनाता है Then you try to identify those 6M, जो 6M आपको भी जस्ट बताया था मैन मेथर्ड मेजरमेंट वो सब कुछ को आप इसके साथ जोड़ते हो जो इसके बॉडी की तरह काम करता है राइट right? एंड फिर बेस्ड ऑन दिस आप ड्रिल करते हो ड्रिल डाउन फर्दर वाई टू द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉजेस फिर आप जैसे अगर मैन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैन में क्या सब कॉजेज है आप उसको भी ढूंढने की कोशिश करते हो एंड नोट दीज केसेस आप आप क्या करते हो आप देखते हो देखते कि इनमें से जो सिक्स से कौन सा एम जो है वो डोमिनेंटली आपके कॉज को बढ़ावा दे रहा है या आप उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है राइट तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है अब इस इस पूरे अब इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉसेज हैं लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट The first benefit, it बेनिफिट इट इज वेरी इजी टू यूज बिकॉज इट्स tools. बहुत ही आसान है समझना इतना मुश्किल काम नहीं है आप easily इसको draw कर सकते हैं क्योंकि हमें 6m एम भी पता है प्रॉब्लम को हमें ढूंढना है और उसको सिक्स एम से रिलेट करने की कोशिश करना है सेकेंड इज इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन द रूट कॉज सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है उसको ढूंढने में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है थर्ड इट हेल्प अस इन इंप्रूविंग द प्रोसेस ये प्रोसेस को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है क्योंकि अगर कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके प्रॉब्लम को ढूंढकर हम ऑब्वियसली रिजोल्व भी कर सकते हैं ना फोर्थ बेनिफिट इज हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग द द ऑफ प्रॉब्लम एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली अब पता है ऑब्वियसलीस एम में से कोई ना कोई एम तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है राइट लेकिन उसमें से कौन सा एम डोमिनेंट है वो भी यहां से निकल जाएगा और उसकी वजह से हम उस एम पे पर्टिकुलरली फोकस करके उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है फर्स्ट टाइम इज वेस्टेड ऑन द अदर कॉजेज ऑल्सो अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि एक ही एम में या एक या दो एम में हो सकता है प्रॉब्लम हो लेकिन बाकी के चार एम को भी आप बहुत डेलिबरेटली ड्रॉ कर रहे हो डेलिबरेटली उनके बारे में सोच रहे हो उनके सब कॉजेस को ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है राइट सेकंड बेनिफिट होता है सेकंड जो उसका डिमेरिट है दैट इज इट मे गेट सब्जेक्टिव ड्यू टू परसेप्शन ऑफ द पीपल अब ऑब्वियसली जो लोग हैं जो उसके कॉजेस को ढूंढ रहे हैं या जो सिक्स एम के सब कॉजेस को बना रहे हैं वहां पे सब्जेक्टिविटी का पूरा स्कोप बन सकता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है इट मे नॉट गिव द रूट कॉज एट टाइम्स और कई बार ये भी प्रॉब्लम आ जाती है या तो आप प्रॉब्लम को ही राइट right तरह से ढूंढ ना पाओ या आप उसके कॉज को रूट कॉज को भी कई बार मिस कर जाते हैं तो फिश बॉर्न को आप बहुत एक्यूरेट नहीं कह सकते एक्यूरेसी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम बट ऑब्वियसली इट्स विजुअली ट्रीट

और नेल्स ऑल्सो द नेल्स आर रस्टेड बाय द टाइम दे सेट फॉर डिलीवरी जब तक डिलीवरी का टाइम आता है वो रस्टेड हो जाते हैं मतलब पहले से उनमें रस्ट लग जाता है राइट तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इसका एनालिसिस करके मैं आपको दिखा देता हूं सो so दैट कि आप भी अगर किसी असाइनमेंट के लिए इसको बना रहे हो या कहीं पर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाए तो अब इसका देख सकते हैं कि कैसे बनाया हुआ तो प्रॉब्लम हमें पता थी तो यहां मैंने लिख दिया कि प्रॉब्लम एक तो आउट ऑफ शेप है दूसरा रस्टिंग का इशू है अब मेथड में अगर इसमें देखें मेथड सिक्स एम पी हम बात करेंगे तो मेथड में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि हो सकता है कि जो टर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ओवर स्पीड से चल रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ शेप हो जा रहा है

या फिर जो कूलेंट का प्रेशर है वो प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं है उसकी वजह से कहीं ना ने कहीं नेल जो है वो प्रॉपरली कंफॉर्मेटेड से नहीं बन रहे अगर हम मैन की बात करें तो हो सकता है जो लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सपीरियंस उनको नहीं पता कैसे प्रोड्यूस करना है या उनकी ट्रेनिंग नहीं है दैट्स प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हो सकता है कि कैलकुलेशन एरर हो रहा हो सकता है आयरन रेल सही बन रही हो बट आप फिर भी कैलकुलेशन एरर कर रहे हो या फिर आपको कैलिब्रेशन का भी इश्यू आ सकता है तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढकर उसके हिसाब से सिक्स को यूज करके आप फिशबोन एनालिसिस को ड्रॉ कर सकते तो हो तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर वाचिंग डू सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक एंड शेयर और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना वहां पर मैं अपने सारे रिसोर्सेज को बल्कि ये वाले रिसोर्सेज को भी वहां पे मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी